Hey all, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर हेल्दी पोहा. और आज काफ़ी टाइम बाद मैं ना रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता था नीरव का एग्ज़ाम चल रहा है और फाइनली एग्ज़ाम दोनों बच्चों का ख़त्म हो चुका है. ऐसा लग रहा है कितना बड़ा एक बोझ मेरे सर से हट गया हो. तो एनीवेज आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है. उसके साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा. तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने बच्चों को पोहा दे दिया, क्योंकि नीरव को स्पेशली पोहा बहुत ज़्यादा पसंद आता है गाइस. उसे पता नहीं क्यों पोहा बहुत ज़्यादा मज़े से खाता है और पेट भर के खा लेता है जितना भी दे दो उसे पोहा. तो अभी देखो बहुत ही अच्छे से खा रहा है, मतलब कंटिन्यू सर भी नहीं उठा रहा है, इतना उसे पसंद आता है पोहा. मुझे अभी बट ध्यान को उतना नहीं. ये पहले ये खाओगे, ठीक है, जल्दी फिनिश करो. ओके ला रहा हूँ आपके लिए. तो ध्यान को उतना नहीं, बट नीरव को पोहा बहुत पसंद आता है सीरियसली. उसके बाद मेरा यहाँ देख सकते हो पार्सल जो था वो आने थे कुछ, तो वो आ गए क्योंकि नीरव का बर्थडे आने वाला है. तो मैंने अपने लिए भी कुछ मंगवाया है नीरव के बर्थडे के बहाने, मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो बर्थडे के दिन ही पहनूंगी. तो यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीडाइज कुछ ज्वेलरी मंगवाया है. सबसे पहले ये रिंग मैंने दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस. थोड़ा सा लग रहा है कि चुभ सकता है मे बी, बट मतलब ऐसा कुछ करने वाला काम है नहीं कि चुभेगा. थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है. क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड सेकेंड ये चोकर मैंने मंगवाया है, थोड़ा हैवी मंगवाया है, बट गाइस ये बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी. जैसा मैंने सोचा था ऑक्सीडाइज बिल्कुल वैसा है एंड कहीं से भी टूटा नहीं है, या इसकी घुंघरू भी कहीं से एक भी नहीं निकली हुई है. एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा. मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं ऐसा आएगा या नहीं, पर जैसा एक्सपेक्ट किया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा. मतलब थोड़ा सा तो लगता है ना कि मीशो से मंगवा रहे हो तो डाउट होता है कि कहीं टूटा हुआ ना निकला हो या कुछ, क्योंकि रिव्यू में भी देखती हूँ ना काफ़ी लोगों का रिव्यू ऐसा बहुत ख़राब रहता है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, 90% मेरी चीज़ें अच्छी ही आई है. तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मंगवा लेती हूँ. मैं मोस्टली मीशो से ज्वेलरी ही मंगवाती हूँ. इस बार सोचा कि चलो साड़ी मंगवा के देखते हैं, रिक्स ले कर देखते हैं. और देख सकते हो गाइस साड़ी अच्छी आई है, लेकिन सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मॉव कलर मंगवाया था और ये पिंक है, बेबी पिंक कलर आ गया है, तो वो मुझे पसंद नहीं आया. मतलब मॉव कलर नहीं है ये, थोड़ा पिंक में. पिंक नहीं मंगवाया था. सो गाइस इसका देख सकते हो ये मैं मुझे डाउट हुआ था कहीं प्रिंट जैसा ना हो, बट इस पर प्रिंट नहीं है, जो वाइट वाइट है ना ये थ्रेड वर्क है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब चीप लुक नहीं दे रहा. और ये ऑर्गेन्जा भी एकदम रियल ऑर्गेन्जा है, बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है. और उसके साथ साथ ये मैंने झुमका भी मेरा 2-3 दिन पहले आ चुका था, तो सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ. इसका ऑलरेडी आप लोगों ने रील देख लिया होगा, तो इंस्टा पे भी मैं रील्स डालती हूँ. तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टा पे, सारे मेरे जितने भी फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लो, अभी के अभी फॉलो कर लो. इंस्टा पे मैं काफ़ी चीज़ें डालती हूँ, कई बार यहाँ पे वो चीज़ें नहीं डालती हूँ इंस्टा पे, लेकिन ज़रूर डालती हूँ मैं. तो प्लीज़ इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना जितने भी मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स हैं. और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को भी अगर आप चाहते हो तो. एंड उसके बाद आज सोचा कि थोड़ा बालों की केयर कर लिया जाए. तो यहाँ पर जब से मैं हेयर कट करवाई हूँ बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाई, तो आज सोचा कि चलो करते हैं. यहाँ पर मैंने हाफ बनाना को मैश करके डाल दिया एंड 1 egg ले लिया है. और उसके बाद उसमें थोड़ा मॉइस्चर के लिए मैंने कोकोनट ऑयल डाला है एंड देन उसके बाद एलोवेरा जेल डाल दिया एंड कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड लास्ट में थोड़ा सा मुझे डैंड्रफ भी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कर्ट डाल दिया है. आप डैंड्रफ के लिए कर्ट या लेमन दोनों डाल सकते हो. तो यहाँ पर मैं हेयर पे 1 by 1 कर लूँगी. अगर आपके बाल सुलझे हुए नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा कॉम करके सुलझा लो, उसके बाद लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हेयर फॉल कम होता है वॉश करते टाइम. तो यहाँ पर मैं पूरे जगह पे लगा लूँगी, हेयर पे, स्कैल्प पे, पूरे अच्छे तरीके से सारी जगह लगा लूँगी, क्योंकि स्कैल्प पे भी मैं लगा रही हूँ और स्कैल्प पे थोड़ा इची सा रहता है, तो इसीलिए लगा रही हूँ. और काफ़ी ज़्यादा मैंने बना लिया था क्योंकि अभी मेरे हेयर शॉर्ट भी है, तो मैं पहले के हिसाब से बनाई थी. और देख सकते हो मेरा रिएक्शन गिर जाता है मेरे नेक पे काफ़ी ज़्यादा. सो
गाइस मैंने हेयर पैक लगा लिया है, इसको मैं हाफ एन आवर या फिर वन आवर तक रहने दूंगी, वन आवर तक एटलीस्ट रहने दूंगी, हाफ एन आवर में कुछ नहीं होगा सूखेगा नहीं, तो वन आवर कभी कभी टू आवर तक रखती हूँ। तो चलो अभी फ़िलहाल हम खाना बना लेते हैं क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगेगा। क्या हो रहा है, छुप के क्या खा रहा है बेटा? तो छुप के खाने की क्या ज़रूरत है, अच्छी चीज़ तो खा रहा है। वॉश किया है एप्पल? मुझे तो नहीं लग रहा वॉश करके खा रहे तुम। हाँ सो गाइज, आज मैंने बताया नहीं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ लंच में। आज का लंच काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, सिंपल है बट बहुत स्पेशल है। तो यहाँ पर चना को सबसे पहले मैं बॉईल करने के लिए रख दी हूँ सॉल्ट डाल के, और उसके बाद मैंने यहाँ पर गार्लिक थोड़ा पील कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज बनाऊँगी चने की सब्ज़ी रस वाली, उसके साथ में बनाऊँगी ये पम्पकिन का बहुत ही मज़ेदार चटनी जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो पम्पकिन को यहाँ पर मोटा मोटा कट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पम्पकिन को भी बॉईल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और मैं बचपन से, मुझे ये जो सब्ज़ी है ना पम्पकिन की, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, जब भी बनता था मैं आज तक कभी नहीं खाती थी, कभी भी नहीं। और आज के टाइम पर मैं बड़े शौक से ख़रीदती हूँ और खाती भी हूँ, नए नए डिश ट्राई करती हूँ। पम्पकिन का और भी डिश चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बोलना, चना ब्लैक चना डालकर भी पम्पकिन की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर प्यूरी तैयार कर, जिसके लिए मैंने टमाटर गार्लिक जिंजर ले लिया, चिली ले लिया, उसके साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी थोड़ा ज़ीरा और ब्लैक पेपर। ज़ीरा और ब्लैक पेपर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा तो आप ज़रूर डालना ये चीज़ें, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है ज़ीरा और ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और उसके बाद अनियन डाल देंगे। अनियन को बहुत अच्छे से हमें भून लेना है, तो जैसे ही अनियन भून जाता है तो उसके बाद हम सारे स्पाइसेस जो है वो डाल देंगे, जैसे सॉल्ट हो गया, आपको कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। तो यहाँ पर टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे डल गया था गलती से, देख सकते हो, तो मैंने ऊपर से हटा दिया उसको। एक्चुअली पैकेट अभी जस्ट ही खोला था मैंने, कहा बाद में डाल दूँगी, थोड़ा सा बीच में कभी कभी हो जाता है ना, जब कुकिंग करते हो तो टाइम बिल्कुल नहीं रहता, बच्चे हो, बच्चे फिर इधर उधर, उनकी भी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है बार बार बीच में जाकर। एनीवेज यहाँ पर मसाला भूनने के लिए मैंने पानी डाला था और ऑयल सेपरेट हो गया, तो जो प्यूरी था हमारा ना टमाटो का पेस्ट बनाया था उसको डालकर अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। तो गाइस इसमें मसाला का अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं हमेशा अच्छे से ही भूनती हूँ मसाला। उसके बाद जब हमारा टमाटो 90% तक फ्राई हो गया, भुन गया, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच आपको ना बेसन डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच बेसन डाला है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, अदरवाइज़ वो गाढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा ना थिक आपका, तो प्लीज़ आप ज़्यादा बेसन बिल्कुल भी मत डालना, 1 से 1.5 चम्मच इनफ है। मैंने एक कढ़ाई बनाया था तो उसके लिए इतना डाला, और बस उनके साथ बेसन को भी अच्छे से भून लेना है, बेसन भी थोड़ा पक जाएगा तो सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो चना हमने बॉईल किया था ना उसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा और ढककर पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चना पका हुआ है तो थोड़ा ही ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, थोड़ा और। मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया और बस इसको दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देंगे, और तब तक मैं बना लूँगी अपना मज़ेदार और हेल्दी सा पम्पकिन का चटनी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो हाथ से मैश भी कर सकते हो, बट दोबारा हमें इसको करना ही है ग्राइंड, तो इसीलिए मैंने अभी सोचा चलो कर लेते हैं मैश करके, मेहनत क्यों करना। तो मैंने ग्राइंडर में डाल दिया, देख सकते हो इजीली मैश हो जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक गया है। मैंने इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट डाला था ताकि अंदर तक सॉल्ट चला जाए पम्पकिन में। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो अब हम करेंगे तड़का इसका, क्योंकि ऐसे फिर आपको बॉयल जैसा टेस्ट आएगा तो वो नहीं चाहिए, हमें फ्लेवर भी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर सरसों का तेल लेंगे, उसमें डाल दिया मैंने गार्लिक एंड साबुत रेड चिली। उसके बाद आपको लेना है, इसमें जो ट्विस्ट है वो है पम्पकिन का ही सीड्स आपको लेना है, पम्पकिन सीड्स तो घर में रहता है हमारे, तो वही हमें डालना है। तो अब अच्छे से भून गया सारी चीज़ें ना, तो इसमें मैं दोबारा से ग्राइंड कर दूंगी, और थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा था तो मैंने फिर से सॉल्ट डालकर इसको ग्राइंड कर लिया। एंड जो हमारा जो तड़का तैयार किया था सेम ऑयल बचा हुआ था ना, तो मैंने दोबारा से इसको पम्पकिन को हल्का सा डाल के 1-2 बार चला लिया ताकि जो भी इसका रॉ फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए। और देख सकते हो हमारा मज़ेदार चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आपके घर में ना सिर्फ बच्चे खाएंगे, आपके हस्बैंड, आप खुद बहुत इंजॉय करोगे। तो सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया और नहा रही हूँ, मतलब नहाने के आने के बाद मैं स्किन केयर थोड़ा सा करती हूँ, तो बस वही मैं कर रही थी। एंड मेरे हेयर देख सकते हो उतने अच्छे से, मतलब गया नहीं था,
हेयर से देख सकते हो लगे हुए हैं बनाना, तो बनाना जब भी लगाओ ना ऐसा, मैं बहुत कम लगाती हूँ बनाना वाला पेस्ट। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने सीरम टोनर में मैंने मिनिमलिस्ट का टोनर लगाया था सबसे पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पर नीविया का जो वाइट वाला जो क्रीम होता है ना, काफ़ी लाइट होता है, वो लगा लिया था आज, ज़्यादा कुछ ही लगाया। और कंघी कर रही तो काफ़ी निकल रहा था तो फिर बाद में फाइनली ना मैं बाहर गई कंघी करने के लिए, जितना भी था ना वेस्ट निकल रहा था बाहर। और वैसे भी ये सूख जाएगा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा एक दो दिन में। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज सिंदूर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, और बिंदी भी छोटा सा लगाया है, अच्छा लग रहा था ब्लैक बिंदी। एंड या हो गया, अब मैं जाऊँगी अपना लंच करने, क्योंकि इस टाइम तक भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइस, तो मैं इसीलिए फटाफट से अब ज़्यादा देरी नहीं करूँगी, फटाफट से खा लूँगी। तो कभी होता है कि सब बच्चों के साथ खा लेती हूँ, कभी मैं बाद में खाती हूँ, बच्चों को पहले खिला देती हूँ, तो ऐसे ही होता है कभी कभी बच्चों को भी भूख नहीं रहती है तो मैं उनसे पूछ कर फिर बाद में खिलाती हूँ, बट मोस्टली मैं बच्चों को पहले खिला देती हूँ फिर मैं खुद आराम से खाती हूँ, या बहुत बार मैक्सिमम टाइम साथ में खा लेते हैं। तो बस अभी बताती हूँ आपको कैसा था खाने का टेस्ट। सीरियसली गाइस आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा यम था, और बहुत ही ज़्यादा मैं पहली बार टीवी देखकर खा रही थी एंड बहुत ज़्यादा यम बना था। बहुत ही यम बनाए गाइस, एक बार जरूर ट्राई करना। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, चलिए बाय। तो बस आज का व्लॉग यहीं था, यहीं तक, और एक और मज़ेदार व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और टेस्टी टेस्टी हेल्दी खाना बनाते रहना।